कदे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह तुहाडे कोल आके तुहानू कदे किसी ने कहा होवे कि तुसी दसो सरकार किदां काम करे, तुसी डिसाइड करो सरकार किदां दी आवे और किस तरह के काम तुहाडे लई कीते जाण। पहलों कदे इस तरह देखिया सी जिंदगी दे विच? जे नहीं देखा तां एक वारी तालियां दे नाल माहौल बनाइए कि एक सही तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, साडा तुहाडे नाल एक प्यार की सांझ पाई जा रही है। और दोस्तों भाजी हौसले ना कोई नहीं, ये साडे जुझारू मुंडे ने, नौजवान ने जिहड़े वॉलंटीयरली दिल तो तुहाडे लई काम कर रहे हैं। एक वारी साडे मुंडिआं लई भी तालियां मार दिओ, ये चाहुंदे ने कि तुहाडीआं प्रॉब्लम्स साडे तक पहुँचन, असीं उहनां दा हल सोचिए, तुहाडे तों हल लईए। और बाकी किसान वर्ग साडे पंजाब दे किसान वर्गी चीज़ पूरी धरती ते नहीं बनी, कोई दुनिया भर की मार झल के फिर सवेरे पग बन के टौर नाल निकलदा, ये साडे पंजाब दे किसान नूं ही बख्श कीती है महाराज सच्चे पातशाह ने। दुनिया भर की कुदरत की आफतों की सरकारां की मार झल के फिर जे वह खड़ी मुछ दे नाल जिउंदा, ते ये गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दा साजिया, वह साडा किसान ही है। ये होर दुनिया च किसे कोल जुरत नहीं सी हो सकती कि 70 सालों तो सरकारां मार रही ने, कुदरती आफतां भी आउंदियां ने फिर खुश दिल रहिंदा। मैनूं लतीफा याद आ गया, चुटकला याद आ गया, एक बाबा सी ना किसान, उहदी खड़ी मक्की मीह पए ते मक्की डिग पई, सारी बर्बाद हो गई मक्की, खेतों के कोल आके खड़ा वेख रहा भी मेरे ते सारी मक्की डिग पई है, ए छलियां पक्कियां डिगियां बेचारियां, बर्बाद हो गई फसल। उधरों बिजली कड़के उधरों माई आई, उहदी वोटी कहिंदी सरदार जी ये हुण कादी बिजली जी आउंदी आ, कुछ नहीं कहिंदा भागवान ने रब उत्तों बैटरियां मार के वेखदा कोई टांडा बच ते नहीं गया। एक किसान ही है जिहड़ा इहो जे हालातों में भी जिंदा दिली नाल जी सकता है। पर असीं अज विचार किहड़ी चीज़ ते कर रहे हैं कि कमियां साडे च ने, साडियां कमजोरियां असीं लीडर भूए चढ़ाए ने, असीं लीडर से तुहाडे च कमजोरी पता की है, चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे एक टुटे जे MLA नूं जाके सिद्धा पैरी पै जांदे आ, पर उहदे पैरां च कबूतर पए ने, की फड़दे उत्थे MLA दे पैरां च की पिया? जे तो MLA ने काम किया उहदी पिठ ते शाबाश दे दो, जे नहीं काम करता उहनूं गलियों फड़ो, पैरों क्यों फड़दे उहनूं तुसीं? तुहाडी ताकत होनी चाहीदी है, इन्नी तुहाडियां आदतां इन्नियां खराब हो चुकियां, MLA नूं छड्डो, तुसीं थाने जांदे हो थानेदार दे पैरीं हाथ लाई जांदे हो, थानेदार दी की औकात तुसीं जाके उहदे पैरीं हाथ लाओ? वो तुहानूं इंसाफ देण लई बैठा। पर जिन्नी देर तक असीं ओह थानेदार तों मैनूं याद आ गया, एक SHO नवा नवा बदल के आया ना थाने च, उन्हें आके पूछिया मुंशी नूं, कहिंदा इह कहिड़ी पार्टी बैठी है? वो पार्टी दे अगे काजू पिस्ते बदाम अखरोट बिस्कुट सारे रखे हुए मुंशी ने, कहिंदा इह कहिड़ी पार्टी है? कहिंदा जी ये महल्ले दा प्रधान है इत्थों दा, ते आया सी इहदी सेवा कर दे दी है। कहिंदा कम की? कहिंदा कम तां कोई नहीं। SHO ने पूछिया, कहिंदा हाँ जी किधर? वो कहिंदा असीं इलाके दे प्रधान आ, पता लगा नवा SHO आया, तो मैं कहा चलो मिल आईए। उन्हें काजू अखरोट बदम अगों चुकाए, कहिंदा लिया पटा। उन्हें सारे लम्मे पाले सने प्रधान, उन्हें अपने हथी सेवा की। जदों पांच पांच सत सत पटे पए ना, फिर सीधे जे हो के नाले पिंड वल नूं तुरे जाण, नाले कहण ले थानेदार तो साला आ आया, पहला तो झुरलू जिहा ही सी। जद तक पैरी पई जाने उदों तक कोई नहीं तुहाडी सेवा करता, कोई नहीं तुहाडे लई अपने काम करता। जदों जाके गरीबां नूं हथ पाउण दी ताकत आउंदी ना, उदों लोक समझदे ने कि उह कादे वास्ते ने इत्थे, उह तुहाडी सेवा वास्ते ने। जदों MLA वोटां मंगण आउंदा ना, असीं बड़े खुश हुंदे आ, घर जाके कहिंदे आ लै भाई उह बड़ा अपना करदा, प्यार बहुत करदा, मैनूं अपनी गड्डी दी अगली सीट ते नाल बिठाउंदा। बंदा पुछे जदों सरकार बन जांदी है उदों कदी उहने अंदरों ताला खोलिया, गड्डी दा लॉक खोलिया? सड़कां दे उत्ते जांदे हुंदे आ, एक टुटा जिहा MLA सरकारी गड्डी मिल गई है, सड़कां दे उत्ते पिछे उहदे गनमैन लोकां नूं लांघता ही पाउंदे रहे, अरे पिछे पिछे पिछे। और बंदा पुछे भी उह विचारा भाई 80 सालां दा साइकिल ते जा रिहा, उह तेरे MLA नूं साइकिल थले दे देण लगा गड्डी च बैठे नूं, जां तेरा MLA मोक मारदा भी लिबड़ जूगा कितें भाई आ विचारा? असीं आप सिर चढ़ाए ने लोग, जदों पहलों तो आके तुहाडे पैरी पैंदे ने, होर बापू जी की हाल है, की हाल है जवाना ठीक है? जदों MLA बन जांदे मंत्री बन जांदे ना, घर जाके देखो पहलों तो गोरखा ही नहीं अंदर जान दिंदा,
ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, 17 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਟੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ MLA, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ MLA ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ MLA ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ।